Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th exercise 3.2 question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, लेट अस सी. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. आपको बताना है A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2 को कंपेयर करके कि जो आपके पास ये 5 पेयर दे रखे हैं, इनका जो ये जो है ये पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया था लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मैं वो वीडियो YouTube में नहीं डाल सका, लेकिन अब दोबारा से बना रहा हूँ. सी, ये क्वेश्चन करने से पहले जो सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था, एक बार दोबारा से उसको रिकॉल कर लेते हैं. आप देख पा रहे हैं हमने पहले वाले वीडियो के अंदर किया था कि ये लीनियर पेयर का पेयर इस तरीके से होता है, जिसमें एक्स का कोफिशियंट, वाई का कोफिशियंट और कांस्टेंट टर्म को हम A1, B1, C1 रिस्पेक्टिवली मानते हैं, और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के केस में A2, B2 और C2 हो जाते हैं. अगर A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 आता है, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट करेगी इन इक्वेशन से बनने वाली जो लाइनें हैं ग्राफ पेपर पर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. सॉल्यूशन एक होगा और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे, उसके कंसिस्टेंट होगा मतलब वो पेयर. ठीक है, नेक्स्ट है अगर A1 बाय A2 इज नॉट सॉरी इज इक्वल टू B1 बाय B2 हो लेकिन C1 बाय C2 के बराबर ना आए, तो लाइंस क्या करेगी, वो काटेगी नहीं, वो पैरेलल होगी और सॉल्यूशन उसका कोई नहीं आएगा क्योंकि वो पैरेलल है, कहीं काट ही नहीं रही तो सॉल्यूशन क्या होगा. और ऐसे जो ऐसा जो पेयर होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल होगा और इनकंसिस्टेंट होगा. तीसरा है अगर A1 बाय A2 बराबर आए B1 बाय B2 के, बराबर आए C1 बाय C2 के, तो जो लाइंस है इस पेयर से बनने वाली जो लाइनें हैं वो कोइंसिडेंट होगी, यानी कि एक दूसरे पर लाई करेगी, वो दोनों एक ही लाइन की इक्वेशंस होगी. बस एक के जो मल्टीपल है, जो कोफिशियंट्स है, दूसरे के कोफिशियंट्स का कोई ना कोई मल्टीपल होगा. ठीक है, ऐसे जो लाइंस होती है उनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे पर ही लाई करती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काटती है, एक दूसरे को टच करती है, और ऐसे पेयर जो है वो कंसिस्टेंट होते हैं, यानी कि कंसिस्टेंट दो केस में होंगे, जब वो इंटरसेक्ट करें या फिर कोइंसिडेंट हो तो कंसिस्टेंट है, और अगर पैरेलल आ रहे हैं यानी कि अगर ये वाली कंडीशन होती है तो वो इनकंसिस्टेंट होंगे, और अगर ये वाली या फिर ये वाली कंडीशन आती है तो जो वे पेयर है वो कंसिस्टेंट होंगे. चलिए अब करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए, कमेंट कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो शेयर और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे. तो पहला सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन पहला ये पेयर ले रहे हैं हम, 3x प्लस 2y ये इक्वल टू 5 है, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, -5 इक्वल टू 0. यहाँ पर A1 है वो 3 है, B1 है वो 2, और जो C1 है वो -5.
पूरा आएगा, माइनस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, 2x माइनस 3y 7 राइट हैंड साइड में इक्वल के, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे इक्वल के, तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ए 2 आया 2, बी 2 आया, माइनस भी साथ में लेंगे माइनस 3, एंड सी 2 इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, पहले ए 1 बाई ए 2 निकालते हैं, वो आता है हमारे पास 3/2, ओके। बी 1 बाई बी 2 आया 2/-3, यानी कि माइनस ऊपर चला गया, -2/3। आप देख पा रहे हैं ए 1 बाई ए 2 बराबर नहीं है बी 1 बाई बी 2 के, तो ये लिख देंगे पहले। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इनका। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दूसरा पेयर हमारे पास ये है, 8 राइट हैंड साइड में इक्वल के, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 2x-3y-8=0। ये ए 1 2 आया, ये बी 1 माइनस 3 आया, ये सी 1 -8 आया। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो ये है, 4x-6y-9=0। 9 लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, निशान बदल जाएगा इसका, तो ए 1 आया ए 2 4, बी 2 -6, एंड सी 2 -9, ठीक है। ए 1 बाई ए 2 हमें मिलता है 2/4, वैल्यू पुट कर देंगे, लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, काटेंगे इसको, 1/2 आया। बी 1 बाई बी 2 -3/-6, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जार 3 2 जार, 1/2। अब सी 1 बाई सी 2 -8/-9, जो कि 1/2 के इक्वल नहीं है, बिकॉज ए 1 बाई ए 2 इज इक्वल टू बी 1 बाई बी 2 इज नॉट इक्वल टू सी 1 बाई सी 2, यानी कि ये केस हुआ पैरेलल लाइंस का। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा। समझ में आया, लुक एट इट प्रॉपरली। अब थर्ड पार्ट, थ्री बाय टू एक्स प्लस 5/3y 7 इक्वल के दूसरी तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, निशान बदल जाएगा। अब ए 1 हमारे पास क्या आता है, 3/2। अगर इसको आप नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम 6 ले लेते हैं 2 और 3 का, 6 बनाने के लिए डेनोमिनेटर में ऊपर नीचे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 3 है, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिवाइड में 1 है, तो इसको हम
सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे डेनोमिनेटर में सिक्स बनाने के लिए, तो ऊपर भी सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें जो इक्वेशन मिलती है वो है 9/6x प्लस 10/6y माइनस 35/6 इजल टू 0। जब इसको और सोल्व करेंगे तो क्या होगा, जो ये है मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब आप 10th क्लास में हैं, इतना कर सकते हैं 9x प्लस 10y माइनस 35 इक्वल टू 0। नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सेम चीज़ को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन के अंदर। तो दोनों तरफ हमने 0 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में पूरे को 0 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तीनों मल्टीप्लाई होंगे 6 से, जिसकी वजह से डेनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा और हमें ये मिलेगा। डेनोमिनेटर से 1 के अलावा सब जो नंबर है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास इस केस में A1 क्या मिला, ये हम काट देते हैं। A1 मिला 9, B1 मिला 10 एंड C1 मिलता है हमें -35। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन है वो है ये वाली, ये लीजिए, ये तो सेम सा ही आ गया और क्या, तो अब ऐसे करोगे ना तो और क्लैरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास है सेकंड इक्वेशन 9x माइनस 10y इजल टू 14। यहाँ देखने पर हमें पता लगता है कि हमारे पास A2 है वो क्या आया 9, B2 है वो क्या आया, ये 14 लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये माइनस का हो गया और वो 0 हो जाएगी। ठीक है, -10, और C2 हमारे पास आया -14। A1 ये है, A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है, C1 ये है और C2 ये है। अब निकालते हैं A1/A2। A1 हमारे पास 9, A2 भी 9, 9 बन जा, क्या आया 1/1। फिर B1/B2, B1 क्या है 10 है, B2 क्या है यहाँ पर -10 है, देखते कोई गलती तो नहीं हो गई, ये प्लस वाली रुको, यहाँ पर -10 है, तो ये -10 ही है, ये प्लस का 10 है इधर, ये माइनस का 10 है इधर, +10 आया है B1, B2 है वो -10 आया है, तो 10 से 10 कट गया लेकिन -1/1, दोनों बराबर नहीं है, आगे करने की जरूरत नहीं है C1/C2। ठीक है, बिकॉज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे को काटेगी ऐसे पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, एक यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 5 नज़र आ रहा था तो करते हुए गलती हो गई, 7 6 42, तो यहाँ 42 आ जाएगा। ठीक है, 42, तो ये भी 42 हुआ, और ठीक है, तो ये इसका जो सोल्यूशन है वो क्या आया कंसिस्टेंट। तो 3 पार्ट हमने कर लिए, अब चौथा पार्ट, यहां पर हमारे पास है इक्वेशन 5x माइनस 3y माइनस 11 इजल टू 0। A1 है वो आया 5, B1 है वो आया -3, C1 है वो आया हमारे पास -11। सेकेंड इक्वेशन ये -10x प्लस
6y + 22 = 0। -22 राइट हैंड साइड में इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आगे प्लस हो जाएगी। तो ये हुआ a1, ये b1, b2, a2 b2, 6 और c2 हुआ 22। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं a1 by a2 क्या आया, 5/-10। 5 1 = 5, 2 = माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/2 आया। ठीक है, फिर b1 by b2 -3/6, 3 1 = 3, 2 = क्योंकि अब ये भी इक्वल आ गया। अगर इक्वल ना था ना तो हम ये पे ख़त्म कर सकते थे। अब अगर ये इक्वल आ गए है तो अब थर्ड पार्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि c1 by c2। c1 माइनस 11 है, ये 22 है, 11 1 = 11, 2 = माइनस बच गया, -1/2। तो आप देख पा रहे हैं क्या हुआ, बिकॉज a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2। इसका मतलब ये कोइंसिडेंट है, ये एक ही लाइन की दोनों इक्वेशंस है, एक दूसरे की मल्टीपल है। आप देख पा रहे हैं नीचे वाला जो ये है इसका मल्टीपल है, 5 × -2, -3 × -2, -11 × -2। तो ये पूरी जो है इसकी डबल है, -2 times। ओके, तो ये बराबर आ रहे हैं, यानी कि कॉन्सिडेंट लाइन की इक्वेशन है ये। सो द पेयर इज कंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला पार्ट भी अब हमारा हो गया, अच्छे से देख लीजिए। अब हम कर रहे हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में है हमारे पास इक्वेशन, इसको फिर वैसे ही करते हैं, 4/3x + 2y - 8 = 0, (y)/1 3 है, सबके डेनोमिनेटर में 3 को बना देंगे, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ मिलता है 4/3x, फिर यहाँ पर मिलता है 6/3y, 8 × 3 = 24, 3 = 0, 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबके डेनोमिनेटर, क्योंकि 3 फिर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी और इधर भी, और डेनोमिनेटर से कट जाएंगे वो। ठीक है, तो हमें मिलेगी इक्वेशन 4x + 6y - 24 = 0। ठीक है, तो a1 क्या आया, 4, b1 6, c1 - 24, एक चीज़ मिल गई हमें। अब सेकंड वर्क इसके लिए, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y - 12 = 0, 12 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी। a2 2 b2 3 c2 - 12। अब निकालते हैं a1 by a2, a1 है 4, a2 है 2, 2 का मल्टीपल ऊपर, तो ये 2/1 आया। b1 by b2, b1 है 6, b2 है 3, 3 1 = 3, 2 = 2/1, दोनों सेम आ गए, तो अब थर्ड भी करना पड़ेगा। c1 by c2 क्या आया, c1 - 24, c2 - 12, ये भी इसका मल्टीपल है, 2 1 = 12, 2 = 2/1, तीनों ही बराबर आ रहे हैं, बिकॉज a1 by a2 = b1 by b2 =
C1 by C2. So the above pair of equation, लिखना चाहे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं, आर इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन की दो इक्वेशन है जो एक दूसरे पर कोइंसिडेंट होगी फिर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, इतना लंबा वीडियो बन गया और लेकिन हमारे पांचों पार्ट इसके हो गए। अब ये पांचों पार्ट अच्छे से देख लीजिए और फिर इसको नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। पहले पहले ये बेसिक चीज, यहाँ तक ये तो फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आ गया, फिर यहाँ से सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का है। पहले ये हुआ, फिर ये सेकंड पार्ट, फिर ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, फिर ये फिफ्थ पार्ट। ये मुड़े हुए हैं, सब पहचान बनती है कि ये कहाँ पर स्टार्टिंग है, कहाँ पर एंडिंग है। यहाँ पर ये लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।